धनबाद के पाथरडीह स्थित ईदगाह मोहल्ले में रविवार को तेज आवाज़ के साथ ज़मीन में एक गोप बन गया। गोप से गैस और आग निकलने लगा, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने BCCL प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो भूधसान वाले क्षेत्रों की भराई नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ऐसे हादसे हो रहे हैं। और ये पूर्वक आग है जो कि एक साल पहले मैनेजमेंट इसको डंपिंग करके भर दिया गया, जो कि इसको आग को निकालने के लिए JCB से या उसके पोकलेन से इसको आग को निकालने की बात हुई थी, उसको उन लोगों ने आनाकानी करके इसको डंपिंग कर दिया। डंपिंग करने के बाद जो है कि ये आग लहरता रहा। आज सुबह में बारिश हुई, आग में पानी गया और ये धुआं धुआं हो गया। इससे पूर्व करीब 15 दिन पहले हम लोगों ने आग का डंपिंग को ये डंपिंग प्लेस पर हम लोगों ने बंदी किया था। 21 तारीख का बंदी हुआ था, 22 तारीख का आपका पेपर में आया था। इसके चलते मैनेजमेंट आनाकानी करके अभी तक किसी तरह का निर्णय नहीं लिया कि डंपिंग किस तरह से सुचारू रूप से बंद हो, इस गांव को बचाया जाए। इससे तो आदमी त्रिहित रिह हाल में है। ये चीज़ तो हम लोग मैनेजमेंट को लिखा पढ़ी करके भी दे चुके हैं। कोविड बोल करके टाल रही है, मीटिंग किसी तरह का नहीं कर रहे, डेट नहीं दे रहे, और ये हम मानते हैं कि कोविड में हम लोगों को अभी मीटिंग नहीं करना चाहिए। देश के हालात को देखते हुए हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ये क्षतिपूर्ति होगा जान माल की हर जाना भरने के लिए मैनेजमेंट के जिम्मेवार है।